क्या एक बार फिर एक हुआ मोदी विरोधी गैंग? क्या कांग्रेस फिर रच रही है पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश? हाल ही में लुटियन दिल्ली में कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई, जिसमें देश भर की मोदी विरोधी ताकतें, एनजीओ की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले सभी लोगों को शामिल किया गया और इसे नाम दिया गया सिविल सोसाइटी, जो भारत जोड़ो अभियान का हिस्सा होंगी। या यूं समझ लीजिए कि भारत जोड़ो अभियान के नाम पर मोदी विरोधियों को जोड़ा गया है, जिनका काम ही है 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार की छवि खराब करना। ये लोग मिलकर आने वाले 7 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग इस अभियान में राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 लोकसभा से पहले कांग्रेस की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, और आज वही अभियान मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। खैर, ये पहली बार नहीं जब मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस गैंग और आंदोलनजीवी सड़कों पर उतरे हों। भूमि अधिग्रहण कानून 2014 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें ये प्रावधान था कि भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए किसानों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। लेकिन लगातार विरोध के चलते मोदी सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा, जबकि इस बिल में किसानों को अधिग्रहित जमीन से भारी मुआवजा हर महीने 3,000 रुपए देने जैसे लाभ शामिल थे। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आई, लेकिन विपक्षी नेताओं और देश विरोधी ताकतों के भड़कावे में आकर देश के अल्पसंख्यक इस बिल के खिलाफ हो गए और मोदी विरोध में प्रदर्शन और हिंसक दंगे करने लगे। कृषि आंदोलन किसानों के हित में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, जिसके लागू होने से किसानों को फसल की अच्छी कीमत, उपज बेचने के लिए नए और साधारण तरीके और टैक्स वसूली पर रोक जैसे प्रावधान थे। लेकिन उसको लेकर भी विपक्षी नेताओं और उनकी कठपुतलियों ने अन्नदाताओं को भड़काया और मोदी विरोध के लिए चंद पैसे देकर सड़कों पर बिठा दिया। अग्निपथ योजना देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने के सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई। इस योजना के तहत अब 12वीं के बाद ही युवा सेना में 4 साल के लिए भर्ती हो सकता है और ऐसा करने पर उसे सरकार की ओर से पेंशन के तौर पर लाखों रुपए की मदद मिलेगी। लेकिन इस योजना पर भी विपक्षी नेताओं ने अपनी घटिया राजनीति कर जनता को बरगलाया और देश एक बार फिर विरोध और आगजनी का शिकार हुआ। लेकिन विपक्षी गिद्धों और उनके रिमोट से चलने वाली देश विरोधी गैंग को इस सब से भी मन नहीं भरा, तो अब उन्होंने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरने के लिए नया प्लान बना लिया। यानी स्क्रिप्ट वही है, मकसद वही है और तो और लोग भी वही है, बदला है तो केवल साल। लेकिन ये चाहे जितनी कोशिश क्यों ना कर ले, पीएम मोदी के खिलाफ उनकी कोई कोशिश काम नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास एक परिवार का नहीं बल्कि देश की जनता का समर्थन है।